गॉडजिला की दुनिया में इंसानों के पास जो भी बची हुई बुद्धि थी उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे चलते फिरते मशीनों का निर्माण किया जिसने गॉडजिला के नाकों में लगभग दम करके रख दिया था। इमारत की तरह विशाल मशीनी पुतले के आतंक ने गॉडजिला को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक छोटे से दिमाग में भी कितने बड़े विनाश की उपज छिपी हुई है। हम बात कर रहे हैं गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला में दिखे सुपर मेका गॉडजिला और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का खूंखार रोबोट मेका गॉडजिला की। तो ऐसे में क्या हो जब इंसानों द्वारा बनाए गए दो पुतले हमारी मनोरंजन के लिए आपस में लड़े? क्या इनके बीच की लड़ाई मात्र मनोरंजन बनकर रह जाएगी या दोनों में किसी के हार के साथ पूरा मंजर विनाश में तब्दील हो जाएगा? खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें साल 2021 में दिखे मेका गॉडजिला की, तो इस मशीनी गॉडजिला का निर्माण एपेक्स इंडस्ट्री द्वारा किया गया था ताकि इस जायंट मशीन के जरिए हर एक टाइटन से लड़ा जा सके और वक्त आने पर उन्हें मारा भी जा सके। इस मेका गॉडजिला को पहले रेन सेरिजावा द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन सिस्टम में खराबी आ जाने के बाद यह मशीनी गॉडजिला पूरी तरह से किंग गिद्दोरा के कटे हुए सिर के जरिए कंट्रोल्ड हो जाता है और वो गॉडजिला पर इस हद तक आक्रामक हो जाता है जिसे गॉडजिला भी अकेले संभाल नहीं पा रहा था। अंततः गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर इस खतरनाक मशीन का सामना करते हैं और अंत में उस मशीन के टुकड़े कर देते हैं। खैर, बात करें इस मशीन के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इस मैनमेड विनाश के पूंछ में एक डेडली ड्रिल लगा होता है जिसे वो फाइट के दौरान इस्तेमाल करता है। यह ड्रिल इतना शक्तिशाली होता है जो गॉडजिला और कॉन्ग के स्किन को भी भेद सकता है। इसके कंधों पर मौजूद मिसाइल्स की श्रृंखला बड़ा खतरनाक वेपन होती है। इन्हीं मिसाइल्स ने गॉडजिला और कॉन्ग से लड़ाई के दौरान गॉडजिला को मारकर उसे जमीन में गिरा दिया था। साथ ही इसी मिसाइल के थ्रस्ट द्वारा ये खुद को कॉन्ग की जकड़न से बचाता है। गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को कॉपी करते हुए इस मशीन में भी एक खतरनाक वेपन लगी हुई है जिसके जरिए ये अपने मुंह से प्रोटॉन स्क्रीम या एक प्रकार का खतरनाक रे शूट कर सकता है और यह एनर्जी बीम इतना शक्तिशाली होता है जो पल भर में स्कल क्रॉलर के टुकड़े कर देता है। गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को ओवर पावर कर देता है और बस यही नहीं, ये अपने बीम से कई इमारतों को तबाह कर देता है। लगभग 400 फीट विशाल और 156,000 टन भारी ये मशीन स्ट्रेंथ और कॉम्बैट के मामले में भी किसी से पीछे नहीं होता। यहाँ तक कि गॉडजिला के हर अटैक्स का जवाब इसे पता होता है। वहीं इसके कैलकुलेटिव हमले से गॉडजिला की मानो पसीने छूट जाते हैं और ये मशीन अकेले ही कॉन्ग तथा गॉडजिला को बैटल में ओवरपावर कर देता है। इसलिए इस मशीन को एक फाइटिंग मशीन कहने में कोई बुराई नहीं होगी। इस मशीन के पीठ तथा किनारों पर शक्तिशाली प्रोपेलर्स लगे हुए हैं जिस वजह से इसकी गति और मूवमेंट की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि बैटल में इसके हमले अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। वहीं इसके हाथों में एक प्रकार की एनर्जी जनरेट होती है जब यह किसी पर प्रहार करता है। इसी वजह से इस मशीन का एक घोंसा भी गॉडजिला के लिए बड़ा घातक साबित होता है। वहीं अब बात करें सुपर मेका गॉडजिला की, तो इसके दर्शन लोगों ने साल 1993 में आई मूवी गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला में की, जहां ये दिखाया जाता है कि इस मेका मशीन को सिर्फ गॉडजिला को मारने के लिए बनाया जाता है ताकि गॉडजिला से जापान को बचाया जा सके। गॉडजिला से हुई पहली बैटल में भले ही सुपर मेका गॉडजिला हार जाता है, लेकिन बाद में जब इस मशीन में कुछ सुधार किए जाते हैं उस दौरान इस मशीन में एंटी गॉडजिला वेपन्स लगाए जाते हैं, तब जाकर दूसरी बार के बैटल में ये मशीन गॉडजिला की बुरी हालत कर देता है। हालांकि गॉडजिला को लाइफ एनर्जी मिलने के बाद ये पहले से भी और शक्तिशाली बन जाता है, तब जाकर ही गॉडजिला इस मशीन के टुकड़े कर पाता है। बात करें इस मशीन के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इस मशीन के पास बाकी किसी भी इंसानों द्वारा बनाए गए मशीन से ज्यादा शक्तियां हैं, जिसमें शामिल है इसकी उड़ने वाली क्षमता। बाकी किसी भी मेका गॉडजिला से अलग यह एक फ्लाइंग डिस्ट्रक्शन है जो ध्वनि की गति से भी अधिक तेजी से उड़कर अपने दुश्मनों से उड़ते उड़ते भी लड़ सकता है। इस मशीन की सभी शक्तिशाली अटैक्स में से एक है इसका मेगा बस्टर, जो कि इसके मुंह से निकलने वाला रंग बिरंगा बीम होता है। यह मेगा बस्टर भी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ के समान शक्तिशाली होता है। इसके अलावे
इसकी लेजर कैनन यानी इसके आंखों से निकलने वाले खतरनाक लेजर भी इस हद तक पावरफुल होते हैं जो गॉडज़िला को काफी नुकसान पहुंचा दे। पर जो इसके हाथों में लगे जी क्रशर होते हैं वो इतनी खतरनाक होती है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता। इसके हाथों से निकलने वाले शॉक एंकर दुश्मन के शरीर से चिपक कर उसे हैवी वोल्टेज का करंट देने लगते हैं। इस जी क्रशर की पावर का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वेपन ने गॉडज़िला को जमीन के गिराने के साथ गॉडज़िला के ब्रेन के कई सेल्स को भी डैमेज पहुंचा देते हैं, जिस वजह से गॉडज़िला मरने वाला होता है। ठीक मेका गॉडज़िला की भांति ये सुपर मशीन भी अपने कंधों से मिसाइल शूट कर सकता है, लेकिन इसकी मिसाइल नॉर्मल मिसाइल न होकर पैरालाइजर मिसाइल होती है। कंधों के अलावे ये अपने कमर से भी शक्तिशाली मिसाइलों की बौछार कर सकता है। इस मेका मशीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो गॉडज़िला के कई हमलों को काफी आसानी से झेल सकता है, इसलिए इसके शरीर में डायमंड की कोटिंग करी गई है। यह डायमंड कोटिंग गॉडज़िला के एटॉमिक ब्रीथ को भी काफी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और उस जमा एनर्जी को गॉडज़िला के खिलाफ यूज कर सकती है। सुपर मेका गॉडज़िला का शरीर करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस की हीट को सहने के साथ साथ उस एनर्जी को खुद में स्टोर कर सकता है और उस जमा एनर्जी को प्लाज्मा ग्रेनेड की तरह अपने शरीर से निकालते हुए सामने मौजूद किसी भी चीजों को नष्ट कर सकता है। यानी मेका गॉडज़िला और सुपर मेका गॉडज़िला दो ऐसे मशीन हैं जिन्होंने गॉडज़िला से लड़कर उसे धूल चटाया है। दोनों ही मशीनों के पास कई अनोखी शक्तियां हैं जिससे न सिर्फ गॉडज़िला बल्कि कई दूसरे मॉन्स्टर को भी ये हरा सकें। लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो मेका गॉडज़िला 400 फीट विशाल और 156,000 टन भारी है, वहीं सुपर मेका गॉडज़िला 393 फीट विशाल और 1.5 लाख टन भारी है। अर्थात आकार में दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। एक और जहां सुपर मेका गॉडज़िला का मेगा बस्टर गॉडज़िला के एटॉमिक ब्रीथ के समान शक्तिशाली है, वहीं मेका गॉडज़िला का प्रोटॉन स्क्रीम गॉडज़िला के एटॉमिक ब्रीथ से भी ज्यादा पावरफुल है। पर याद रहे कि सुपर मेका गॉडज़िला एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने दुश्मनों पर उस एनर्जी से हमला कर सकता है, जबकि ऐसी एबिलिटी हमें मेका गॉडज़िला में देखने को नहीं मिलती। पर यह भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यह मात्र 10 लाख डिग्री सेल्सियस जितना हीट को बर्दाश्त कर पाता है, क्योंकि उससे ज्यादा हीट मिलने पर इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। यानी लंबे समय तक प्रोटॉन स्क्रीम को झेल पाना इसके बस का नहीं, क्योंकि प्रोटॉन स्क्रीम की हीट 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी काफी ज्यादा होती है। क्लोज कॉम्बैट के मामले में भी मेका गॉडज़िला को टक्कर दे पाना सुपर मेका गॉडज़िला के बस का नहीं, इसलिए कॉम्बैट में तो मेका गॉडज़िला की ही जीत होगी। लेकिन अगर ये बैटल बाकी सुपर पावर्स की होती है तब भले ही स्पेशल एबिलिटीज सुपर मेका गॉडज़िला के पास ज्यादा हो, पर मेका गॉडज़िला के कम ही एबिलिटी काफी ज्यादा घातक होती है, इसलिए बैटल में इसका एक भी अटैक सुपर मेका गॉडज़िला के लिए काफी घातक हो सकता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस बैटल में ज्यादातर जीतने के चांसेस मेका गॉडज़िला की होगी। खैर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।